बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अंबेडकर नगर में मायावती ने बसपा उम्मीदवार रितेश पांडे के लिए प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि रितेश पांडे यहां अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले हैं। चाहे भाजपा के लोग इनके विरुद्ध कितने भी घिनौने हथकंडे क्यों ना अपना ले। मायावती ने दावा किया कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। मायावती ने कहा कि जैसे कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, उसी तरह भाजपा को भी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों की जुमलेबाजी इस चुनाव में काम आने वाली नहीं है। भीड़ को देखकर लग रहा है कि आप लोग परिवर्तन का मूड बना चुके हैं। अंबेडकर नगर में भी भाजपा को नहीं जीता पाएंगे।